तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। जी हाँ, एक्सेल के कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है हमारे। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या होता है, तो बेसिकली हम टाइप कुछ और करते हैं और बीच में कुछ और होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लीजिए चेक नंबर ही टाइप किया मैंने, तो चेक नंबर ना मान लीजिए अगर टाइप करना हो तो जीरो लिख सकते हैं या सिंगल टू लगा के जीरो लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी ने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया जिसमें उसने जीरो नहीं लगाया, तो इसके लिए जैसे कि मैं कल आपको बताया था, हम यहाँ पे कस्टम में 1 2 3 4 5 6 6 टाइम जीरो डाल के ओके करेंगे, यहाँ पे जीरो मेंटेन कर देगा। 67 टाइम हो गया ना, कम करना। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो दिख रहा है, जो आपको 00036 दिख रहा है, जस्ट विजुअल है। अब कहीं पे एक्चुअल में किसी ने लगा दिया 00036, अब दोनों देखने में तो आपको सिंपल लग रहा है, देखने में एक जैसा लग रहा है, पर दोनों के बीच में डिफरेंस ये सिर्फ 36 है, ये आपका 00036 है। अगर आप इसको इक्वल करके इसको सेलेक्ट करते हैं और इक्वल इसको करते हैं, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला ओरिजिनल पे लगता है, विजुअल पे नहीं। तो अगर मान लीजिए मुझे मैचिंग के लिए चाहिए, जैसे कि आपका एक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, उसके साथ आपको टैली करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, मतलब कि मुझे एक्चुअल में ऐसा चाहिए, बात समझे? ठीक है, इसमें इसको फॉर्मेट रिमूव कर देता हूं। तो इस केस में हम टेक्स्ट फॉर्मेट, क्योंकि एक्चुअल तो सिर्फ हम टाइपिंग करके ला सकते हैं या फिर किसी फॉर्मूले से ला सकते हैं। तो हमने टेक्स्ट फॉर्मूला लगाया और टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर वही आपका कस्टम फॉर्मेटिंग का जो कोड था वही डालेंगे। अब आपका यहाँ पे देखिए एक्चुअल आ जाए। अब मैं यहाँ पे इक्वल करता हूं इसको और इस वाले 36 को, तो आपको दोनों ट्रू दिखेगा। तो यहां पे एक चीज नोट कर लीजिए कि अगर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग के जो कोड से लाए गए फॉर्मेट का ओरिजिनल चाहिए, तो उसी फॉर्मेट को आप टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर लगा लीजिए। ओके, ठीक है। लगाने का तरीका सिंपल है, आप यहां पर अपना वैल्यू सिलेक्ट कीजिए और यहां पर अपना कोड दीजिए, जो भी कोड आप देते हैं। सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर में बताया था कि हमने +91 में लगता है, +91 लगाना होता है, तो यहाँ कस्टम पे आएंगे +91 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हमने जीरो डाल दिया। अब मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर यहाँ लिखते हैं तो देखिए ये आपका 10 टाइम जीरो लगा हुआ, +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूं तो आप देखेंगे कि +91 ऑटोमेटिकली लग जा रहा है। ओके, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि अगर मैंने 36 लिख दिया तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 36 ही हो रहा है, राइट। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, फिर भी इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि कौन सा नंबर सही है कौन सा नंबर गलत है, लिख नहीं पाऊंगा ना, देख नहीं पाऊंगा। हेलो जी,